दोस्तों देवाशीष मखीजा के डायरेक्शन में बनी मनोज बाजपेयी स्टारर फिल्म जोरम रिलीज हो चुकी है। दोस्तों जानता हूँ मैं इस फिल्म को थोड़ा लेट रिव्यू दे रहा हूँ, कुछ कारणों से पहले मैंने इस फिल्म को नहीं देखा था, लेकिन आज जैसे ही मैंने फिल्म देखी और जल्दी से जल्दी इसका रिव्यू दे रहा हूँ। तो अब फिल्म की बात करते हैं दोस्तों। ये फिल्म इतनी शानदार है कि इस फिल्म को कम से कम एक बार तो जरूर देखना चाहेंगे। ये बात अलग है कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। जो मास मसाला फिल्म देखना पसंद करते हैं उनको शायद ये फिल्म ना पसंद आए, लेकिन जिन लोगों को एक मास्टरपीस फिल्म देखनी हो उस फिल्म को बिल्कुल भी मिस ना करें। दोस्तों एनिमल मूवी की आंधी में ये फिल्म कहीं खो सी गई है। इस फिल्म को बहुत कम स्क्रीन मिले हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ये फिल्म किसी थिएटर में दिख जाए तो जरूर देख लेना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सैफ आज जोरम फिल्म का रिव्यू देने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हजरात हजरात हजरात, आप अगले 3 घंटे में लड़की सही सलामत अपने घर वापस नहीं पहुंची तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। एक मनोज बाजपेयी है जो बम मारते हैं और एक मनोज बाजपेयी ये है जो फिल्म जोरम में डर से कांप कर कहते हैं सरकार गोली मत चलाइएगा, छोटी बच्ची है। ये शख्स क्या है? सिर्फ एक एक्टर तो नहीं हो सकते, ये एक एक्टिंग की मास्टर क्लास है। बात करें फिल्म की कहानी की तो जोरम की कहानी एक आदिवासी दसरू यानी मनोज बाजपेयी की है जो नक्सली गैंग को छोड़कर मुंबई में अपनी पत्नी बानो और बेटी जोराम के साथ रह रहे हैं। जिंदगी जीने के लिए दोनों पति पत्नी मजदूरी करते हैं और जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है जब उन पर हमला होता है। बानो की जान चली जाती है और दसरू नन्ही सी जोरम को लेकर भागता है। कभी गोलियां चलाने वाला दसरू आज गोली से ही भाग रहा है। फिल्म की पूरी कहानी देखने के लिए आपको थिएटर जरूर जाना चाहिए। कहानी शायद छोटी सी लग रही है, लेकिन इसे जिस तरीके से स्क्रीन पर दिखाया गया है वो आपको अंदर तक हिला देगी। दोस्तों ये फिल्म कमाल की है। इंसान ने पर्यावरण का जो नुकसान किया है ये उसकी बात करती है, ये नक्सलवाद की भी बात करती है, झारखंड की राजनीति और वहाँ की लोकल सिचुएशन को भी अच्छे से समझाती है। ये फिल्म आपको झकझोर देती है। इस फिल्म में जब दसरू ट्रेन के अंदर जोरम को लेकर छिपे होते हैं और बाहर से लोग दरवाजा तोड़ रहे होते हैं तो दसरू के चेहरे पर जो दर्द दिखता है उसे आप भी फील कर पाते हैं। इस फिल्म का एक एक फ्रेम, हर एक सीन आपसे कुछ कहता है। ना कोई बड़े फिल्म सेट, ना कोई महंगे कॉस्ट्यूम, लेकिन फिल्म दिल में उतरती है। ऐसी फिल्में फिल्म फेस्टिवलों में तो वाहवाही लूट लेती है, अवार्ड तो जीत लेती है, लेकिन इनका असली अवार्ड है इन्हें थिएटर में जाकर देखना। और अगर सिनेमा से प्यार है तो जरूर देखिएगा। बात करें एक्टिंग की तो मनोज बाजपेयी को देखकर लगता है कि ये बंदा क्या है, ये कैसे हर कैरेक्टर में इतना घुस जाता है कि वो एक किरदार बन जाता है। दसरू के दर्द को जिस तरह से मनोज बाजपेयी ने स्क्रीन पर दिखाया है, उनकी आंखों में जो दिखता है, उनके चेहरे पर जो भाव दिखते हैं, उसे ही शायद एक्टिंग कहते हैं। कितने कैरेक्टर में मनोज बाजपेयी गोली चला चुके हैं, ऑडियंस का दिल दहला चुके हैं, लेकिन यह उल्टा है, वो गोली से डरते हैं और इस फिल्म में खुद दहले हुए दिखते हैं। ये वाकई में उनके सबसे कमाल किरदारों में से एक है और उसे एक बार तो जरूर देखना बनता है। बात करें मनोज की पत्नी के कैरेक्टर में तनिष्ठा चटर्जी की, तो भले ही इस फिल्म में उनका रोल बहुत कम है, लेकिन जितना भी है असरदार है। और जिसान अयूब इस फिल्म में एक पुलिस वाले बने हैं और उनका काम भी शानदार है। जिसान ने फिर से ये प्रूव कर दिया है कि वो इस फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट एक्टर्स में से एक है। बात करें इस फिल्म के विलेन यानी फूलो कर्मा के किरदार में स्मिता तांबे जबरदस्त है, वो विलेन के रूप में खूब जमी है। और बात करें डायरेक्शन की तो दोस्तों देवाशीष मखीजा ने फिल्म को लिखा भी है और इसे डायरेक्ट भी किया है। एक एक्टर से कितना अच्छा काम करवाया जा सकता है ये देवाशीष ने दिखा दिया है। दोस्तों इस फिल्म पर उनकी पकड़ जबरदस्त है, साफ दिखता है उन्होंने इस फिल्म की पूरी रिसर्च की है और उसके बाद ही इस फिल्म को बनाया। ओवरऑल दोस्तों अगर आपको सिनेमा से प्यार है तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की फिल्म को अगर हमने सपोर्ट नहीं किया तो शायद इस तरह की फिल्में हमें आगे देखने को ना मिले। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।